जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बड़ी खबर जालौन से, ससुराल से मिलने वाले रुपए के बंटवारे को लेकर चली गोली के मामले का हुआ खुलासा। खुद साली ने अपने जीजा को फंसाने के लिए चलवाई थी अपने ही पति पर गोली और मुकदमा दर्ज कराया था अपने जीजा पर। एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम और आटा थाना पुलिस की संयुक्त जांच में असलियत आई सामने। साजिश रचने वाले महिला सहित तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, तमंचा भी हुआ बरामद। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा, आटा थाना क्षेत्र का था ये मामला। जालौन से बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर, जहां खुद साली ने अपने जीजा को फंसाने के लिए अपने ही पति पर गोली चलवाई और मुकदमा दर्ज करा दिया अपने जीजा पर। ससुराल से मिलने वाले रुपए के बंटवारे को लेकर यह पूरा कारनामा किया गया। फिलहाल एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम और आटा थाना पुलिस की संयुक्त जांच में असलियत सामने आई है, जिसके बाद साजिश रचने वाले महिला सहित तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे तमंचा भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, आटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। हमारे अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर असीम चौधरी ने आज मीडिया से खुलासा करते हुए कि विगत 11 जुलाई को आटा थाना क्षेत्र के ग्राम संधि प्रासन के पास एक व्यक्ति के ऊपर जो गन शॉट का मामला था, उसमें आरोपी जो जिस चीजा को बनाया गया था वो निर्दोष था, क्योंकि वो एक 307 वाले मामले में वो बाधित था और उसी में जो है मुकदमा को वापस कराने के लिए या उसके समझौता के दबाव के लिए ये पूरी कहानी रखी गई थी। और इसी में जो पीड़िता है उसने ही अपने जीजा पर आरोप लगाया था कि उसके जीजा ने उसके पति पर गनशॉट किया है, उस पर हमला किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय थाने यानी स्थानीय आटा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने इस पर जांच की और जांच में जो तथ्य सामने आए वो बड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की साजिश उसी महिला ने रची थी अपने जीजा को फंसाने के लिए। फिलहाल पुलिस ने उस महिला को, उसके पति को और एक साजिशकर्ता, ये तीन लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया है। दो और लोग इसमें शामिल हैं, उनकी तलाश में दबिश जारी है। वो कट्टा जिससे गोली चली थी या जिससे पूरा का पूरा घटनाक्रम बनाया गया था, वो कट्टा भी बरामद कर लिया गया। तो कुल मिला के आज पुलिस ने एक निर्दोष को जेल जाने से बचा लिया और जो साजिशकर्ता थे उनको उनके किए की सजा मिली। तो कहीं ना कहीं कानून के हाथ लंबे तो होते हैं, लेकिन अगर सही व्यक्ति तक पहुंचे तो एक निर्दोष को सजा मिलने से बच जाता है, क्योंकि निर्दोष अगर जेल चला गया तो कहीं ना कहीं कानून पर कई सवाल ये निशान खड़े होंगे। जालौन में थाना आटा में दिनांक 11 जुलाई को एक 307 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसएचओ आटा सर्विलेंस व एसओजी प्रभारी ने इस मुकदमे में जब गहनता से छानबीन करी तो एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस साजिश का ये पता लगा कि जो वादी पक्ष है उन्होंने अपने विपक्षी को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा लिखवाया है। षड्यंत्र के तहत स्वयं ये विपक्षीगण ने, साजिशकर्ताओं ने अपने गोली लगाई, उसका मेडिकल कराया और उसके बाद तहरीर अपने विपक्षी के खिलाफ दी। इस साजिश का पर्दाफाश किया गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनके लिए टीमें लगी हुई हैं। जिस तमंचे से स्वयं गोली मारी गई थी वो तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर दिया है और एसओजी सर्विलेंस व एसएचओ आटा ने इस पूरी साजिश को का पर्दाफाश करने में बहुत अच्छा काम किया। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।